Hello and welcome to Northeast PSC. Today we'll be discussing about Climate Club. Climate Club, it was the product of COP28. ठीक है, COP28 के बारे में हम लोग कई सारे बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोस लेके आए हैं. जितने भी इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव COP28 में हुआ है उसका हम लोग डिस्कस करने की कोशिश किए हैं. तो COP28 की एक आपका आउटकम है आपका क्लाइमेट क्लब. तो यहाँ पर आप जर्मन चांसलर को देख सकते हैं. ठीक है, तो ये क्लाइमेट क्लब क्या है, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, इसको हम लोग देखने की कोशिश करेंगे इस पर्टिकुलर वीडियो में. विदाउट एनी फर्दर डिले लेट अस बिगिन टुडेज डिस्कशन. आई एम नजरुल इस्लाम. आई हैव बीन टीचिंग इंटरनेशनल रिलेशंस, पॉलिटिकल साइंस एंड करंट अफेयर्स फॉर द लास्ट 3 years. And my education are from Jamia Millia Islamia in New Delhi. If you want to know more about me, you can get in touch with me through LinkedIn as well as Twitter. So there are so many things. Okay, without any further delay, what is this Climate Club? So it was formally launched during the COP28 to the international UNFCCC. हम जिसको कहते हैं ये UAE में लॉन्च किया गया था. तो क्लाइमेट क्लब क्या है? क्लाइमेट, देखिए क्लाइमेट एक बहुत ही सीरियस बिजनेस हो गया. क्लाइमेट हर आपको हर 2 दिन में जब भी आप न्यूज़पेपर पढ़ेंगे कभी ना कभी एक आर्टिकल आप जरूर देखेंगे कि आप क्लाइमेट से जुड़ा हुआ है. तो इसीलिए क्लाइमेट क्लब क्या है इसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी हो जाएगा. ठीक है, इट इज़ एन इनिशिएटिव एम्ड एट कोऑपरेशन बिटवीन कंट्रीज इन डीकार्बोनाइजिंग द इंडस्ट्रियल सेक्टर. ठीक है, हम लोग क्या देखते हैं इंडस्ट्रियल सेक्टर की अगर हम बात करें, बहुत ज़्यादा हम लोग वहाँ पर वहाँ से हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड की एमिशन देखते हैं. ठीक है, एमिशन देखते हैं. तो इसीलिए बहुत सारे आप जो UNFCCC की जो आपका मीटिंग हो रही है वहाँ पर बात किया जा रहा है कि हमारा जो आपका कार्बन एमिशन उसको हमें कम करना है, उसको हमें इतना करना है ताकि जो ग्लोबल टेम्परेचर है 2 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा ना बढ़े बाय द एंड ऑफ दिस सेंचुरी. ठीक है, तो ये हम लोग जब हम बात करते हैं जो हमारे इंडस्ट्रीज़ हैं, इंडस्ट्रीज़ की जो आपका कार्बन एमिशन है उसको हम डीकार्बोनाइज करना है, उसको हमें कम करने की कोशिश करना है. ये एक एम है अंडर दिस क्लाइमेट क्लब. इट वॉज लेड बाई जर्मनी एंड चिली. ठीक है, जर्मनी और चिली के द्वारा ये इनिशिएटिव लॉन्च किया गया था, चेयर्ड बाई जर्मन चांसलर ओलाफ शॉल्ट्स. इसका एम क्या है, कंट्रीज़ के बीच में कोऑपरेशन करें, कोऑपरेशन बिटवीन कंट्रीज इन डीकार्बोनाइजिंग द इंडस्ट्रियल सेक्टर. इंडस्ट्रियल सेक्टर से बहुत भारी मात्रा में कार्बन एमिशन होती है, उसको हमें कम करना है. इट इज़ क्लेम्ड टू करेंटली रिप्रेजेंट 55% ऑफ द ग्लोबल इकोनॉमी. तो ये जो क्लाइमेट क्लब है इसमें जितने भी कंट्रीज आती हैं ये तमाम कंट्रीब्यूट करते हैं अराउंड दे रिप्रेजेंट अराउंड 55% ऑफ द ग्लोबल इकोनॉमी. इस क्लब की अगर हम बात करें, इट हैज़ गार्नर्ड सपोर्ट फ्रॉम 36 मेंबर कंट्रीज इंक्लूडिंग केनिया, यूरोपियन यूनियन, स्विट्जरलैंड एट्सेट्रा. तो 36 कंट्रीज ने यहाँ पर ऑलरेडी सपोर्ट किया है, एग्री हुआ है. तो क्लाइमेट क्लब क्या है इसको अभी हम लोग डिटेल में देखने की कोशिश करेंगे. So, this club has garnered support from 36 member countries including Kenya, European Union, Switzerland, etc. All G7 countries including US have joined. तो ये एक इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन यहाँ पर हो जाता है कि जो क्लाइमेट क्लब की बात करते हैं इसमें G7 countries, सारे G7 countries यहाँ पर मेंबर हैं. They have each committed to efforts in developing strategies and standards for decarbonization. तो इन्होंने अपना अपना प्लान बनाया है. ठीक है, और अपना अपना स्टैंडर्ड सेट किया है किस तरह से जो कार्बन की एमिशन है उसको हम लोग रोक सकते हैं, उसको हम लोग एलिमिनेट कर सकते. एलिमिनेट तो बहुत बड़ा शब्द हो जाएगा, ग्रेजुअली हम लोग उसको रिड्यूस कर सकते हैं. ठीक है, सो व्हाट इज़ द क्लाइमेट क्लब वर्क प्रोग्राम 2024? तो इसका ये है क्या, ठीक है, इसको हम लोग देखने की कोशिश करते हैं. द क्लब्स कोर आइडिया इज़ बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट द हार्ड टू एबेट सेक्टर्स इंक्लूडिंग स्टील, सीमेंट, केमिकल्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर अबाउट 70% ऑफ द ग्लोबल कार्बन डाइऑक्साइड. तो ऐसे सेक्टर्स जिसको हम लोग जिसके बगैर हमारा एग्जिस्टेंस मुश्किल है. ठीक है, क्योंकि आज के डेट में आप इमेजिन कर ही नहीं सकते हैं कि बिना सीमेंट के आप कोई प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, मतलब कोई डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, कोई कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ अगर आपको करना हो, आपको सीमेंट चाहिए, स्टील चाहिए, केमिकल्स चाहिए. तो ये इस तरह की जो आपका जो इंडस्ट्रीज़ हैं दे कंट्रीब्यूट अराउंड 75% ऑफ ग्लोबल कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन. तो ये बहुत बड़ा चैलेंज है हमारे सामने कि हम डेवलपमेंट चाहते हैं या फिर हम लोग जो इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट चाहते हैं या फिर हमारी जो हमारा ह्यूमैनिटी है उसको हमें सर्वाइव करवाना है. तो हम लोग क्या देखते हैं, हमारे सामने बहुत बड़ी दुविधा है कि हाउ कैन वी रेस्ट्रिक्ट आवर सेल्फ फ्रॉम डिटेरियरेटिंग फर्दर इन टर्म्स ऑफ आवर एनवायरमेंट सो दैट वी हैव ए वेरी सेफ एंड साउंड फ्यूचर. सो ये बहुत ज़रूरी है. तो ये एक बहुत ही सीरियस डेटा है. द एक्टिविटीज आर डिवाइडेड इंटू 3 key pillars. क्या क्या है वो, एडवांसिंग एम्बिशियस एंड ट्रांसपेरेंट क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन पॉलिसीज. पहले तो हमें ये करना है
किस तरह से हम लोग मिटिगेशन बोले तो धीरे धीरे कम करना, तो मिटिगेशन पॉलिसीज उसका किस तरह के हम लोग पॉलिसी बना रहे हैं, नियम किस तरह से जो है हम लोग किस तरह से उसका प्लान कर रहे हैं, ठीक है, उसको हम लोग लोगों के सामने रखना चाहते हैं, ठीक है, ताकि हर एक कंट्रीज के पास देखने के लिए रहे कि हाँ पर्टिकुलर कंट्री एक्स इज अ पर्टिकुलर कंट्री व्हिच गिविंग ऑल द एफर्ट्स टू मिनिमाइज कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन, ठीक है। तो ये हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर ट्रांसपेरेंसी मेंटेन किया जाएगा। दूसरा क्या है, हमारे इंडस्ट्रीज़ को ट्रांसफॉर्म करना है, इंडस्ट्रीज़ जो हमें इतना ज़्यादा जो एमिशन हो रहा है उसको हमें क्या करना है, रिड्यूस करना, उस एमिशन को हमें रिड्यूस करने की कोशिश करना है। और इंटरनेशनल कोऑपरेशन की बात करें, दुनिया भर में जो आपका कंट्रीज़ की बात करें, तमाम कंट्रीज़ को रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं कि हम लोग क्लाइमेट चेंज को रोकें। हम लोग हर एक कंट्रीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि क्लाइमेट चेंज से जितने भी ज़्यादा हम लोग एडवर्स इम्पैक्ट देख सकते हैं उसको हमें रिवर्स करना है। तो ऐसे में हमें क्या करना पड़ेगा, सारे कंट्रीज़ को साथ में आकर काम करना पड़ेगा, कोऑपरेट करना पड़ेगा और पार्टनरशिप के साथ इस जो ये जो एफर्ट है इसको हमें रियलाइज़ करना पड़ेगा। दिस थ्री पिलर्स आर, ये जो आपका तीन पिलर्स की हम बात करते हैं, ठीक है, दिस थ्री पिलर्स आर फर्दर सब डिवाइडेड इंटू 9 इंटरकनेक्टेड मॉड्यूल्स सेटिंग द पाथवे फॉर इनिशियल वर्क फॉर द क्लब। तो इसको और एक नए मतलब अगर ये तीन जो हमारा की पिलर्स हैं इसको और क्या किया जाता है, सब डिवाइडेड किया जाता है ताकि इसको हम लोग बहुत इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट कर पाए अंडर द क्लाइमेट क्लब और जो हमारा कमिटमेंट है इन ऑर्डर टू ब्रिंग डाउन द इम्पैक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज उसके रिगार्डिंग हमें काम करना है, ठीक है। गवर्नेंस फ्रेमवर्क क्या है, ये क्लाइमेट क्लब किस तरह से काम करेगा, तो चेयरिंग कौन कर रहे थे, जर्मनी। तो को चेयर की बात करें दो होते हैं, एक तो जर्मनी और चिली, ये लोग को चेयर की तरह अभी है काम कर रहे हैं। बॉडी ऑफ मेंबर्स की बात करें, इट इज़ द मेन बॉडी ऑफ द क्लाइमेट क्लब। गवर्नेंस फ्रेमवर्क की बात करें, ठीक है, इसके अंदर आता है बॉडी ऑफ मेंबर्स, इसको हम लोग क्या देखते हैं, बॉडी ऑफ मेंबर्स क्या है, बॉडी ऑफ मेंबर इज द मेन बॉडी, ये क्लाइमेट क्लब का मेन बॉडी का नाम है बॉडी ऑफ मेंबर्स। ये डिटरमाइन करेंगे कि जो आपका प्रोग्राम है किस तरह से काम करेगा और उसमें हमें क्या क्या काम करना है, ठीक है, ये बॉडी ऑफ मेंबर्स डिसाइड करेंगे। बजट क्या होगा, फिर हमें अगर कुछ सुधार करना है, जो भी हमारा गोल है, जो हमारा एम है, जो हमारी इनिशिएटिव है, उसमें कुछ सुधार करने की ज़रूरत है क्या, अमेंडमेंट करने की ज़रूरत है क्या, इन तमाम चीज़ों की जो आपका डिसीजन है ये बॉडी ऑफ मेंबर्स के द्वारा लिया जाता है। इट इज़ एक्सपेक्टेड टू मीट एटलीस्ट वंस ए ईयर, ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट कमिटमेंट है कि एटलीस्ट साल में एक बार तो मिलना ही है। ये हो गया आपका बॉडी ऑफ मेंबर्स की बात किया। को चेयर्स में अभी करंटली जर्मनी और चिली है, अभी स्टीयरिंग ग्रुप नाम के भी एक है आपका, इसके अंदर ही क्लाइमेट क्लब के अंदर है आता है स्टीयरिंग ग्रुप। ये क्या होता है, जो आपका क्लाइमेट क्लब की हम बात करें उसमें जब 40 मेंबर कंट्रीज हो जाएंगे, इट विल बी फॉर्म्ड। तो जब क्लाइमेट क्लब के अंदर 40 कंट्री पार्टिसिपेट करेंगे, फिर 40 मेंबर बन जाएंगे, तब एक बनाया जाएगा स्टीयरिंग ग्रुप बनाया जाएगा। इट विल बी लेड बाय द को चेयर्स, जो भी उस टाइम के को चेयर्स होगा उसको लीड करेंगे, है ना, एंड कंसिस्ट्स ऑफ द को चेयर्स एंड 7 अदर मेंबर्स अपॉइंटेड बाय द बॉडी मेंबर्स। तो जब 40 का मेंबर इसमें शामिल हो जाएंगे उस पर को चेयर्स तो होंगे ही, उसके अलावा भी 7 और मेंबर होंगे जो बॉडी ऑफ मेंबर्स जो है ये अपॉइंट करेंगे 7 मेंबर्स को। तो दे विल फॉर्म द पार्ट ऑफ स्टीयरिंग ग्रुप। इसके अलावा सेक्रेटेरिएट भी होगा, ठीक है, क्लाइमेट क्लब का सेक्रेटेरिएट होगा, वो कैसे होगा, इट विल बी फॉर्म्ड टू इम्प्लीमेंट द वर्क प्रोग्राम। करंटली OECD एंड IEA आर द जॉइंट इंटरिम हेड्स ऑफ द सेक्रेटेरिएट, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं। फंडिंग की हम बात करें, पैसा कहाँ से आएगा, पैसे के बगैर तो कोई भी इनिशिएटिव सक्सेसफुल होगा नहीं। सो फंडिंग फॉर द इनिशिएटिव ऑफ द क्लाइमेट क्लब एंड द सेक्रेटेरिएट विल बी प्रोवाइडेड बाय द मेंबर्स ऑफ द क्लाइमेट क्लब ऑन ए वॉलंटरी बेसिस। जो भी इसका मेंबर बनेंगे उन तमाम मेंबर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है इसमें क्या करें, आपका फंडिंग करते रहे, ठीक है। फंडिंग जो है वो मेंबर कंट्रीज का रिस्पॉन्सिबिलिटी से। नो स्पेसिफिक फंडिंग हैज़ बीन एलोकेटेड एट दिस स्टेज, कितना फंडिंग होगा, कितना पैसा उसमें, कितना डॉलर, कितना मिलियन डॉलर या फिर बिलियन डॉलर इसमें डालना पड़ेगा, इसके ऊपर कोई स्पेसिफिक डिस्कशन नहीं हुई है, ठीक है। चाइना और इंडिया अगर हम बात करें, दुनिया की बहुत बड़े प्रोड्यूसर्स हैं, स्टील प्रोड्यूसर्स हैं, दे बोथ हैव जॉइंड, सॉरी दे नाइदर चाइना नॉर इंडिया हैव जॉइंड दिस क्लब। तो इन दोनों में से इंडिया में ने भी ज्वाइन नहीं किया, चाइना भी ज्वाइन नहीं किया,
लेकिन ये फैक्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको पूछा जाएगा कि क्लाइमेट क्लब के अंदर इंडिया जो है क्लाइमेट क्लब का पार्ट है, द आंसर इज़ नो। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस एंड अदर रिलेवेंट स्टेक होल्डर्स इंक्लूडिंग फ्रॉम द प्राइवेट सेक्टर मे पार्टिसिपेट इन क्लाइमेट क्लब मीटिंग्स एज टेम्पोररी गेस्ट्स एट द इन्विटेशन ऑफ द को-चेयर्स। को-चेयर्स अगर किसी को इन्वाइट कर रहे हैं, चाहे आप जो है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हो, ठीक है, या फिर आप प्राइवेट एंटिटी हो, प्राइवेट कंपनी हो, तो आपको अगर को-चेयर के द्वारा इन्विटेशन किया गया है तो आप यहाँ पर आके जो आपका क्लाइमेट क्लब की मीटिंग है उसमें पार्टिसिपेट करके आप देख सकते हैं, उस मीटिंग में अटेंड कर सकते हैं, ठीक है। क्लाइमेट चेंज वर्क प्रोग्राम 2024, ये क्या होता है, ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जानना है आपको, क्लाइमेट चेंज वर्क प्रोग्राम। तो जो क्लाइमेट क्लब है इनका एम क्या है, हमें इंडस्ट्रीज़ की जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसका हमें, कार्बन डाइऑक्साइड की जो एमिशन है उसका हमें डीकार्बोनाइज करना है, उसका हमें कम करने की कोशिश करना है, ठीक है, सक्सेसफुली एंड थ्रू एम्बिशियस पॉलिसीज, अलाइनमेंट ऑफ मेथोडोलॉजीज एंड स्टैंडर्ड्स एंड इम्प्रूविंग फाइनेंस एंड असिस्टेंस फॉर इमर्जिंग एंड डेवलपिंग इकोनॉमीज। तो हमें एक तो डीकार्बोनाइज करना है, उसके साथ साथ जो डेवलपिंग इकोनॉमीज है उनको भी हमें मदद पहुँचाने की कोशिश करना है। तो एक तो ये हो गया एम, दूसरा क्या है, क्लब्स का जो कोर आइडिया है एकदम, मतलब सेंट्रल आइडिया ये है कि जितने भी आपका हार्ड टू एबिट सेक्टर्स है, जो सेक्टर्स जो हमारा दैनंदिन हमारे डेली लाइफ का एकदम पार्ट है, उन तमाम जो आपका सेक्टर है ये 70% ग्लोबल इमिशन करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड का, है ना, तो इसको भी हमें क्या करना है, इसका भी जो आपका एमिशन है इसको हमें रिड्यूस करना है। ये क्लाइमेट चेंज वर्क प्रोग्राम 2024 के अंदर आप समझ सकते हैं। फिर हाई एम्बिशन इंटर गवर्नमेंटल फोरम की अगर हम बात करें, ठीक है, तीन पिलर होगा इसका, रेड वाला इस्तेमाल कर लो, पिलर वन, पिलर टू एंड पिलर थ्री, ठीक है, एडवांसिंग एम्बिशियस एंड ट्रांसपेरेंट क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन पॉलिसीज, ट्रांसफॉर्मिंग इंडस्ट्रीज, बूस्टिंग इंटरनेशनल कोऑपरेशन एंड पार्टनरशिप। तो इस पर आप देख सकते हैं कि जब पिलर वन की बात करें, ठीक है, तो क्लाइमेट पॉलिसी ऐसे बनाना पड़ेगा जो हमें ट्रांसपेरेंट हो, जो सारे कंट्रीज़ के सामने हो, सारे कंट्री इवेल्यूएट कर पाए कि क्या आप सीरियसली कमिटेड है इन ऑर्डर टू ब्रिंग आउट क्लाइमेट चेंज। तो ओवरकमिंग द चैलेंजेस फेसिंग द कंपटीशन ऑफ एमिशंस इंटेंसिटी मैट्रिक्स, तो ये सारे चीज़ आप देख सकते हैं, ठीक है, आपके पास है, ये आप एक बार पढ़ लीजिएगा। सो दिस इज़ ऑल यू विथ रेस्पेक्ट टू आवर क्लाइमेट क्लब डिस्कशन। अगर आपको कोई डाउट है प्लीज़ पुट दम इन द कॉमेंट बॉक्स। अगर आपको लगा कि कहीं पे आपको समझ में नहीं आया, प्लीज़ लेट मी नो। ओके, टिल देन सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू सो मच, बाय बाय।